हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रीमी योगर्ट मैक्रोनी सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बॉयल्ड मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉयल करने के लिए 6-7 कप उबलते हुए पानी में 1/2 चम्मच नमक और 2 कप मैक्रोनी को लगभग 10 मिनट के लिए उबाल लेते हैं और फिर उसे छान लेते हैं। इसके अलावा 2 चम्मच बारीक कटा प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा टमाटर, 2 चम्मच बारीक कटा शिमला मिर्च, 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं, राई का पेस्ट, 1/2 कप गाढ़ा फेटा हुआ दही, 3 चम्मच ताजी क्रीम, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चीनी और नमक स्वादानुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, इसमें हम गाढ़ा फेटा हुआ दही डालेंगे और हम इसमें क्रीम डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट, राई का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, चीनी और नमक स्वाद अनुसार। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे, बॉइल्ड मैक्रोनी, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स लीजिए, बन के तैयार है क्रीमी योगर्ट मैक्रोनी सैलेड।